से जो भी टकराया हमारे पांव में आन गिरा। गिरता हर कोई है, गिर कर उठता कोई कोई है। ओ खूबसूरत हो, खतरनाक भी हो, मुंह फट भी हो, मुंह जोर भी हो। अच्छा तो गुस्ताख भी हो, गैरतमंद भी हो। अपनी औकात तो देख, अपना अंजाम तो सोच। मेरा नाम बादल है, गरजता भी सरों पर हूँ और बरसता भी सरों पर हूँ। लेकिन जब भी किसी बादल के सामने पहाड़ आए, वो बादल पानी बनकर पांव में आ गिरता है। वो पहाड़ आसमान पर होगा, इस जमीन पर आज तक नहीं देखा, जिस जमीन पर इस बादल का साया है। तुमने जमीन देखी ही कितनी है, इस रोहार से लेकर गरीब घरों तक का सफर भी करते हो तो भागने का रास्ता सोच कर करते हो। मैं उस भाई की बहन हूँ जिसका पांव देकर पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाते हैं। लगता है तुम्हारे भाई का पांव हमेशा भारी रहता है। ये गुस्सा और ये गुरूर उसी भाई की गैरत ने तुम्हें दिया है, आज मैं इस गैरत को तमाशा बना दूंगा। फिर बुलाओ अपने बादल को, मेरे सर पर बरसे, आवाज दो बिजलियों को मुझ पर करके। जहां जहां पर बादल का साया हो वहां कभी शेर नहीं गरजता। तुम खाली हाथ आकर खुदकुशी क्यों करने लगे हो? मैं दहशत खान हूं। दहशत खान कहर बन कर आता हूं, कब्रिस्तान बना कर जाता हूं। जिंदा इसलिए छोड़ चला हूं कि तुम बादल को बता सको कि गरजता हर कोई है पर बरसता कोई कोई है। उसे कह देना मेरे पीछे ना सके तो मेरा इंतजार करे। कर पांव में आ गिरता है। कहां है वो? कहो तो उसे बुलाने के लिए दोबारा पांव में घुंघरू बांध दूं। लगता है अंधे हो गए हो या अपनी गार छोड़ चुके हो, वरना अपनी गार में अपने पालतू कुत्तों के कदम कदम पर लाशें देखकर तुम्हें यकीन आ जाता ये बादल किस पहाड़ से टकरा कर पानी पानी होने वाला है। लगता है कमजोर इंसान जिस तरह जिंदा रहने के लिए सुहाने ख्वाब देखते हैं, तुम भी सुहाने ख्वाब देखकर खुदकुशी कर लोगी। Thank you.
मैं मौत से गले मिलने वाले का नाम पूछ सकता हूँ? तौबा 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 तौबा, मैं तो समझा था मेरी बहन के पांव में घुंघरू बांधने वाले का एक पांव जमीन पर और दूसरा आसमान पर होगा, लेकिन तुम्हारे तो दोनों पांव जमीन पर हैं। मजा तो अब आएगा बादल। अच्छा अच्छा, ये है वो पहाड़। अरे ये बेचारा तो रास्ते का ऐसा पत्थर भी नहीं जिससे ठोकर खाकर मेरी जूती भी टूट सके। अच्छा तो बहन की तरह तुम भी पुलिस के डाउट हो? बकवास बंद कर, रुक जाओ दहशत खान। तुम कानून हो और कानून इंसाफ करता है, इंतकाम नहीं लेता। कानून के लिए ये कुर्बानी मैं सिर्फ एक शर्त पर दे सकता हूँ इंस्पेक्टर, कि ये मेरे साथ जाएगा। नहीं, ये कानून के मुताबिक पहले थाने जाएगा। लेकिन थाने पर इसके साथियों के हमले का खतरा है। इस भेड़ को मेरे हवाले कर दो, अगर भाग गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये दावा वापस ले लो जेलर, इस वास्ते कि बादल ने जेल में सूरज डूबते देखा है, चढ़ते कभी नहीं देखा। नहीं देखा तो वो भी दिखा दूंगा। अच्छा छोटी बीबी जी, 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 क्या हुआ? मार्केट जी, कहाँ हो तुम? बीबी जी, मार्केट जी, मार्केट जी, बीबी जी, मार्केट जी, क्या हुआ? और तुम चुप करो, मार्केट जी, हाँ मार्केट जी। मालकी जी बदला है। क्या कह रहे हो? पांडे के सामने लो बोरी बस्तर पर लेट लो, बदला गया। नहीं, नहीं। बादल पकड़ा गया है। बादल डाकू, बादल डाकू पकड़ा गया है? हाँ जी। सच? कसमे अल्लाह पाक की। जाओ सारे गांव में मिठाई तकसीम करो, एक एक दरवाजे पर दस्तक दो। हाँ और ऐलान करो। हाँ जी। केस खुशी के मौके पर हम सब जश्न मनाएंगे। का है कि जराइम तुम्हारे बेशुमार है, जान तुम्हारी एक है। सदा तुम्हारी बात पे खत्म होगी, सांस पहले रुक जाएगी। बताओ गोरी कहां है? गोरी कहां है? अबे मुर्दे इतने जोर से बोलते हैं। पहली बार देखा है, पहली बार। और आज सब कुछ आखिरी बार देखोगे। गोरी को घर पहुंचाना तेरा फर्ज है मोती,
और इन बेगैरतों को कब्रिस्तान पहुंचाना मेरा जिम्मा। जा बेटा। कोई जगह ऐसी नहीं जहां बादल न हो। तुम जितना भी भागोगे मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तू, मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगी। राबिया, हट जाइए सरताज। इसने मुझे बेऔलाद किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राबिया, ये हमारे घर में है। लेकिन आज मेरा अनवर और अफजल घर में नहीं है, मैं इसका खून पी जाऊंगी सरताज। राबिया, सलमान घर आए मेहमान पर हाथ नहीं उठाया करते। जाओ मरहम पट्टी का सामान लेकर आओ। सरताज, इसे देख कर मेरे जिन जख्मों के टांके खुल गए हैं, उनका मरहम कहाँ से आएगा? उनका मरहम सब्र है राबिया, सब्र करो। जाओ जल्दी से मरहम पट्टी का सामान लेकर आओ। जाओ जाओ जल्दी करो जाओ। या रब्बुल इज्जत, अपने हबीब के सदके में इसे होश अता फरमा और इसके गुनाहों को माफ कर दे। आमीन। Thank you.
वाली साहब आप, मेरी जान आपने बचाई है। हाँ बेटे, खुदा ने ये सआदत मुझे ही बख्शी है। और अगर मेरा बस चलता तो मैं इसकी रग रग का खून पी जाती। राबिया, मैं इसे बार बार जिंदा करती और हर बार कत्ल कर देती। खुश करो राबिया, खुदा को यही मंजूर था। खुदा को ये क्यों नहीं मंजूर कि मेरे बच्चों का कातिल भी मेरे सामने मेरे बच्चों की तरह तड़प तड़प कर जान दे। अगर ये बात है तो खुदा के लिए मेरे सीने पर गोली मार दो। नहीं बादल, तुम्हें हमने अपने दोनों बच्चों का खून माफ कर दिया है। मुझसे डर कर? नहीं, बंदूक मेरे घर में भी मौजूद है और मुझे चलानी भी आती है। मत भूलो बादल कि जो शख्स बरसती हुई गोलियों में आजान दे सकता है उसे तुम्हारे इंतकाम की कोई परवाह नहीं। तो फिर तुमने मुझे माफ क्यों किया? इसलिए कि माफ करने का हुक्म मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मौलवी साहब, आपको मुझे कत्ल करने का भी हक था। हाँ बादल, हक तो था, लेकिन ये बताओ कितने साल से बुराई कर रहे हो? 20 साल से। तुमने 20 साल से बुराई का दामन नहीं छोड़ा। मैं एक दिन में नेकी का साथ कैसे छोड़ दूं? बादल, इंसानियत सिर्फ 5 वक्त सजदा कर लेने से मुकम्मल नहीं होती। इंसानियत की असल में राज तो ये है कि वो औरत जो हर रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, जिस रोज उसने नागा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आयादत के लिए खुद तशरीफ ले गए थे। हाँ, अगर उन्हें मानते हो तो कत्लो गारत की बजाय रास्ते में कांटे बिछाने वालों का भी ख्याल रखो। यही असल इंसानियत है और यही है असल मजहब। ये लो बंदूक और जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। ऐसा ना हो कि मरने वाले बच्चों की मां ज्यादा देर तक अपने बेटों के कातिल को बर्दाश्त ना कर सके। मौलवी साहब, मैं राख काट डाले बगैर वापस नहीं जाया करता। मैं आप लोगों को भी लूट कर जाऊंगा। आज मैं ऐसा डाका डालूंगा कि रहती दुनिया तक लोग उस डाके को भूल नहीं सकेंगे। लेकिन हमारे पास कुरान पाक की दौलत की सेवा को और कुछ नहीं है, तुम इस डाके में क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा मौलवी साहब, बहुत कुछ मिलेगा। मेरी झोली में दो जहान की दौलत को डाल दीजिए। मुझे तो आज उम्र भर के बाद मालूम हुआ कि असल दौलत किसे कहते हैं। बादल, मौलवी साहब, मैं इस कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद कभी डाका नहीं डालूंगा। मेरी बहन के जो दुश्मन बाकी हैं उनको खत्म करके अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम्हारी बहन? जिसकी पनाह पे रहते हो, मेरी बहन है मौलवी साहब। तो क्या गोरी? मेरी सगी बहन है। गोरी,
बादल की सगी बहन है। जब मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि उस घोड़े की हिफाजत की जाए तो फिर वो गायब कैसे हो गया? बीबी जी, आप ही ने तो कहा था पूरी जागीर में उसे खुला छोड़ दिया जाए, या तो वो खुद किसी तरफ चला गया होगा या किसी रसागीर ने उसे पकड़ लिया होगा। मैं कुछ नहीं जानती, उसे हर कीमत पे तलाश करो। उसे तलाश करने की जरूरत नहीं है बेटी। किसी गैरतमंद का सिधाया हुआ था अपना फर्ज अदा करके चला गया। यही तो ताज्जुब है, आखिर चला कहाँ गया? बेटी, खुदा न करे तुम पर कोई मुसीबत आए, लेकिन दिल कहता है कि अगर कोई ऐसी कभी आफत आई तो वो घोड़ा अपने सवार समेत यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में नहीं आता, आखिर उस घोड़े को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? गैरतमंदों के गैरत के साथ रिश्ते ना भी हों, तब भी वो अपनों की तरह पहरा देते हैं। मैं भी तुम्हें एक ऐसे ही गैरतमंद से मिलाने आया हूँ। कौन है वो? उसका अच्छा खून देखकर खानदान पूछने की जरूरत महसूस नहीं की, हीरा देखकर खरीदा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि वो किस कान से निकला है। तो फिर मुझे भी तो दिखाइए वो हीरा। अच्छा। आ जाओ बेटे। कौन है बाबा? मैं तुम्हारा भाई हूँ। और भाइयों और बहनों के रास्ते एक दिन जुदा हो जाते हैं। मेरा भाई? तेरा भाई तो दुबई में है। सोचो तो तुम्हारे सामने है। सामने? कहाँ है वो? मैं भी तो तुम्हारा भाई बनकर आया हूँ। लेकिन इस तरह तो गांव का हर आदमी मेरा भाई है। ठीक है बहन, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि बहन को रुख्सत कौन करता है। आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो? बेटी, ये भी दुबई से आया है, तुम्हारे भाई की तरह करोड़पति आदमी है, कहता है बादल की बर्बाद की हुई बस्तियां मैं आबाद करूंगा। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इतनी दौलत मेरे मरने के बाद तिजोरी में पड़ी रह जाएगी। कितना नेक काम है। देखो, एक तरफ वो जलील बादल है और दूसरी तरफ ये अजीम इंसान। बहन, बादल को भी तो बादल किसी बादल ही ने बनाया था, वरना कौन भाई अपनी प्यारी बहन को छोड़कर इतने खतरनाक रास्तों पर जाता है? तुम बादल को अच्छा समझते हो? कड़वा फल कोई नहीं खाता बहन, लेकिन बाद वफात लाइलाज मरीजों को शिफा जरूर देता है। अच्छा मालूम,